हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ब्यूटीफुल कैसे बने, ब्यूटीफुल कैसे दिखे, फेस ब्यूटी टिप्स। हाँ दोस्तों, तो आज की मेरी वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि चेहरे की समस्या जो है वो हर गर्ल्स के पास आजकल कॉमन है, देखने को मिलती है। किसी के पिंपल्स हो जाते हैं, किसी के चेहरे पे कालापन आ जाता है, किसी के चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो ऐसे में चेहरे का इलाज कैसे करें, क्योंकि चेहरा खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चेहरे की खूबसूरती के लिए क्या करना चाहिए, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट्स है कि चेहरा धोने के बाद क्रीम ना लगाएं। हाँ, चेहरा धोने के बाद, फेस वॉश करने के बाद आपको तुरंत क्रीम अप्लाई नहीं करना चाहिए, 15-20 मिनट वेट करने के बाद लगाना चाहिए। इससे चेहरा जो है वो आकर्षक होता है, डलनेस खत्म हो जाता है। और कभी भी चेहरे पे साबुन का यूज़ नहीं करना चाहिए, साबुन से चेहरे को वॉश नहीं करना चाहिए। और मैं एक टिप्स बता दूं कि बॉडी पार्ट्स या चेहरे पे कहीं कालापन पड़ जाता है, काला हो जाता है चेहरा, तो उसको कैसे दूर किया जाए, तो उसके लिए है कि आप एक कप वाइट राइस लें, सफ़ेद चावल जो होता है, अरवा चावल भी ले सकती हैं, उसमें एक कप पानी डालें और उसे जो है उस चावल को जो है पानी डालने के बाद 24 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद उसके पानी को आप छान लें और डव सॉप साबुन लें और डव साबुन को कद्दूकस करने वाले से लेके कस कर लें, आधा साबुन कम से कम कस कर लें। उसके बाद उस साबुन को जो है उस छाना हुआ जो वाटर है उसमें आपको अच्छे से मिलाना है, जब तक वो उसमें से फैन या छाग ना देने लगे, मतलब अच्छे से मिल ना जाए। उसके बाद उसको क्या करना है कि उसको आप स्टोर भी कर सकती हैं किसी भी डिब्बे में, छोटी सी डिब्बे में जो क्रीम का डिब्बा डिब्बी रहती है उसमें आप स्टोर कर ले और एक सप्ताह तक यूज कर सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं। अगर हाथों में कालापन है, लेग्स में है या गालों पे है, तो आप उसे धीरे धीरे अच्छे से स्क्रब करते हुए लगाएं और उसके बाद लगाने के 5-10 मिनट तक रखें, उसके बाद उसको सूखने पर वॉश कर ले, धो लें। इससे क्या होता है कि वहाँ पे कालापन जो भी था वो दूर होने लगता है, कम होने लगता है, एक सप्ताह में ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये आजमाया हुआ नुस्खा है और ये नुस्खा जो है जापान के लोग बहुत अप्लाई करते हैं, जापानी सीक्रेट नुस्खा है ये। ये चेहरे के लिए भी है या बॉडी पार्ट्स में कहीं भी कालापन पड़ गया है और आप उसको हटाना चाहते हैं, जैसे हाथों में, गालों पर या नेक, गर्दन में, बहुत गर्ल्स होती हैं जिनकी गर्दन, चेहरा तो बहुत गोरा चिट्टा अच्छा रहता है लेकिन उसके नेक जो होते हैं वो काले होते हैं, या आँखों के नीचे जो सर्कल होते हैं उसमें डार्कनेस आ जाती है, जो आपको आपके चेहरे को मतलब सुंदरता कम कर देती है। तो अगर ब्यूटीफुल कैसे बने, ब्यूटीफुल दिखना है, बनना है, तो फेस ब्यूटी टिप्स ये जो है इस चीज़ को आप ज़रूर अप्लाई करें। तो फेस के लिए मैंने दो आपको टिप्स दिए। अब तीसरा पॉइंट्स है मेरा की समस्या से अगर आप जूझ रही हैं कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो अभी आपका एज अगर कम है या आपका एज ज़्यादा भी है, आप 24 इयर्स की हैं या 30 इयर्स की हैं, 35 इयर्स की हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अभी से ही ये नुस्खा आजमाएं, घरेलू नुस्खा है और ये बहुत रियल है, प्रकृति की देन है, एक तरह से नेचुरल नुस्खा टिप्स मैं बता रही हूँ, कि रात में खाने के 1 घंटे बाद आपको 2 इलायची आपको खानी है। इससे क्या होगा कि बालों की समस्याएं बहुत हद तक रुक जाएंगी। और भी मैं बहुत सारी वीडियो में, 2-3 वीडियो में मैं कुछ नुस्खे बताई हूँ, उसको भी आप ज़रूर चेकआउट करें, प्लेलिस्ट में है। अब है कि 4 पॉइंट्स है कि दांतों में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग नुस्खा लेके आई हूँ दांत के लिए, या कहूँ उपाय, कि जब भी आप शौच कर रहे हों तो बाथरूम में जो है वो उसका सेंट कुछ अच्छा नहीं होता है, सबको पता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको उस समय कोई गाना नहीं गाना है। बहुत लोगों की आदत होती है कि शौच में जाते हैं तो गाना गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं, या मोबाइल फ़ोन लेके भी चले जाते हैं और फ़ोन पे बातें करने लगते हैं, तो नहीं, आपको इन सभी आदतों से बचना है। आपको करना क्या है कि दांत बंद करके बैठना है जब भी आप बाथरूम में शौच को जाएँ। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, इससे जो है आपके दांत कभी नहीं गिरेंगे, 100% गारंटी है। हम क्या है ना कि नेचुरल तरीके से अगर छोटी छोटी आदतों में अगर हम सुधार कर लें तो हम लंबे समय तक हमारे बाल दांत सही सलामत रहेंगे। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है कि दांत बंद करके बैठना है। अब मैं नेक्स्ट 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि गंदे रुमाल
पिलो कवर जो होते हैं या तौलिए होते हैं का यूज़ नहीं करना है। और गुस्सा में, स्ट्रेस में चेहरे पर दबाव नहीं डालना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि गुस्साते हैं तो उनका चेहरा अजीब सा बनने लगता है, तो अगर ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो वो भी आपकी खूबसूरती के लिए, चेहरे के लिए सही नहीं है। आपके चेहरे का आकर्षण जो होता है कम हो जाता है। और आपको जो है पानी बहुत ज़्यादा पीना है, साफ पानी आपको 2-3 गिलास या 8-10 गिलास तो पीना ही है। मॉर्निंग में भी आप 1 गिलास ज़रूर गुनगुना पानी पिए, पानी पीना चाहिए आपको। गुड़ के साथ पानी पीते हैं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि गुड़ जो है वो आपके शरीर की जितने भी गंदगी है वो बाहर कर देता है। मतलब गुड़ खाना चाहिए। और आपको साफ पानी से 2-3 बार आपको चेहरा धोना जरूर चाहिए। तो इस तरह से आप हमेशा जवां दिखेंगी और आपका चेहरा एकदम क्लीन दिखेगा, चेहरा में ग्लो रहेगा और आप खूबसूरत दिखेंगे और ब्यूटीफुल दिखेंगी, ब्यूटीफुल गर्ल बन जाएंगी। जो कोई भी एक बार देखेगा तो दोबारा पलट के जरूर देखेगा, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। तो इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी उभर के आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि घर पर जब भी आप रहें, जैसे ऑफिस नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, स्कूल में तो मेकअप गर्ल्स करती नहीं है, वहाँ पे तो सिंपल ही रहना रहता है, तो घर पर जब भी रहें तो आपको मेकअप नहीं करना है। एक से एक बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जो है, हीरोइन है, आप देखती हैं तो जो फिल्म में देखते हैं हम, या वो जब ऑडिशन देने जाती हैं तो बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं बाहर जाती, लेकिन घर पे वो बहुत सिंपल रहती है। इसमें कैटरीना कैफ को, अनुष्का शर्मा को आप देख सकती हैं, वो ऐश्वर्या राय भी बहुत सिंपल घर पर रहती हैं। तो घर पर आपको मेकअप नहीं करना है, इससे ग्लो ख़त्म हो जाता है। बहुत सारी लड़कियाँ का चेहरे पर दाग होते हैं तो वो छिपाने के लिए रेगुलर मेकअप करती हैं, फेस पे रेगुलर मेकअप करती हैं, क्रीम करती हैं और मॉइस्चराइजर लगाती हैं, तो इससे क्या होता है कि उनका जो मेकअप के कारण उनका रियल, आपको कोशिश करनी चाहिए कि चेहरे के दाग को छिपाएं नहीं, चेहरे के दाग को हमेशा के लिए हटाएं। तो उसके लिए डीप मेकअप जब घर पे हैं तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो चेहरे के दाग को कैसे हटाएं, कालापन को कैसे दूर करें, इसके लिए मैं फर्स्ट में ही 2 टिप्स बताई हूँ, उसको आप ज़रूर अप्लाई करें अपने फेस पे नेचुरल तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है कि सन स्क्रीन जो होते हैं उसको आप ज़रूर लगाएं। जब भी ठंड में के मौसम में घर से बाहर जाएं या धूप में जाएं, गर्मी के मौसम में जाएं, इसको अपने फेस पे जरूर अप्लाई करें। और पानी कभी कम नहीं पीना है, पानी आपको बहुत पीना है, दिन भर में जितना पानी पी सकते हैं आपको पीना है। पानी पीने से चेहरे में ग्लो रहता है, नेचुरल ग्लो रहता है। और कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, तला हुआ खाना या मसालेदार खाना, चटपटा खाना ज़्यादा नहीं खाना है। तो इन सब चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो आपका स्किन जो है ऑटोमेटिक ग्लोइंग स्किन होगा और चेहरा खिला खिला रहेगा और आपके अंदर खूबसूरती खुद पे खूब डेवलप हो जाएगी। आप खूबसूरत दिखने लगेंगी, ब्यूटीफुल गर्ल बन जाएंगी, ब्यूटीफुल आपका फेस दिखेगा। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महिला तूफान चैनल पे गर्ल्स से रिलेटिव या महिलाओं से रिलेटिव जो भी समस्या प्रॉब्लम, स्पेशली गर्ल्स से रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम होती है मैं उसका सॉल्यूशन देती हूँ। तो जितने भी गर्ल्स हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।